ओके, तो स्टार्ट करते हैं एडवांस वेब डेवलपमेंट की वर्कशॉप पे। तो सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग का मैं इंट्रोडक्शन अगर आपको दूँ तो प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग में क्या प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स होते हैं, कोडिंग होती है, प्रोग्रामिंग के जो सिंटैक्स होते हैं वो होते हैं, उसके अलावा कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, पाइथन आ जाती है जिसमें HTML आ गई, CSS आ गई, PHP आ गई, .NET, सी शार्प, काफ़ी सारी लैंग्वेजेस आ जाती हैं हमारे पास, देन हमारे पास आ जाता है व्हाट इज कोडिंग, कोडिंग क्या चीज़ है। अब हमें तो इंग्लिश उर्दू बहुत सारी जैसे हमारी लैंग्वेजेस हैं, वैसे कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है कोडिंग, और वो कोडिंग काफ़ी सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं कोडिंग होती है, जो हमारे टॉपिक में जो है हमारा जो मतलब कोर्स है इसमें जो जो लैंग्वेज है वो है HTML, CSS, PHP एंड MySQL में थोड़ी बहुत कमांड्स। देन यहाँ पर प्रोग्रामिंग के सिंटैक्स होते हैं, इनकी एग्जाम्पल है ये HTML है, HTML इस तरह होती है, HTML बॉडी इस तरह से HTML है, देन हमारी CSS है, एंड देन यहाँ पे हमारे पास आ जाती है ऑन पेज एंड ऑफ पेज CSS, जो ये CSS ऐसी क्या होती है, CSS इज यूज फॉर स्टाइलिंग ऑफ द पेज, पेज की जो जितनी भी स्टाइलिंग होती है वो सारी CSS के थ्रू होती है, बूटस्ट्रैप से भी होती है, CSS से भी होती है। हमारे पास इसमें जो है ये पाइथन की एग्जाम्पल आती है, बिकॉज ये हमने कोडिंग का ट्रेडिशन लिया तो इसलिए हमारे पास एक पाइथन की एग्जाम्पल है, लेकिन पाइथन हमारे कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है। देन हमारे पास आता है HTML5, HTML5 में हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास आता है HTML का ओवरव्यू, HTML टैग्स, ब्लॉक टाइप एंड बेसिक लेआउट, हेडिंग्स, पैराग्राफ, टाइपोग्राफी, लिंक्स आ गई, इमेज आ गई, लिस्ट, टेबल्स, टेबल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं HTML में, एंड देन फॉर्मेटिंग आ जाती है, फॉर्म्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद हमारा एक प्रोजेक्ट आ जाता है जिसे हम कहेंगे, जिसमें हम एक वेबसाइट ऑलमोस्ट बिल्डअप कर लेंगे बट विदाउट एनी डिज़ाइन। देन हमारे पास CSS आ जाती है, CSS में क्या होता है, CSS में भी वेबसाइट बिल्ड होती है, CSS में वेबसाइट की उसमें भी स्टाइलिंग होती है, कलर्स ऐड होते हैं वेबसाइट पे, तो मेकअप जो वेबसाइट का हम करते हैं वो हम करते हैं CSS के लिए, ठीक है। फिर हम चलते हैं PHP MySQL की तरफ, ओके। सो PHP हम स्टार्ट करते हैं, ओके सो हम स्टार्ट करते हैं PHP MySQL। सो सबसे पहले हम PHP के बारे में देखते हैं कि PHP है क्या, PHP जो होता है वो हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर, ये भी एक लैंग्वेज है बट ये थोड़ी सी ज़रा मुश्किल लैंग्वेज है क्योंकि ये सर्वर साइड लैंग्वेज है, तो सर्वर का काम ऑब्वियसली आसान तो होगा नहीं, ये बेसिकली वेब पेज की डेवलपमेंट, डेटाबेस से कनेक्शन, उसके अलावा डेटाबेस में एंट्री, डेटाबेस से ही डिलीट, एडिट, कट, प्रॉपर इसमें परफॉर्मेंस होती है की, और उसके अलावा जो यहाँ पे जो हमारे पास PHP के जो टूल्स होते हैं इस तरह से, ये टूल्स हम यूज करेंगे इसमें, नेट बीन्स हो गई, नेट बीन्स ये बेसिकली IDE PHP की डेवलपमेंट, पोस्ट GIS SQL है हमारे पास, JavaScript है हमारे पास, jQuery होगी, वर्चुअल बॉक्स होगा, वेब सर्वर ये बेसिकली लोकल होस्ट होता है, क्योंकि वेबसाइट को भी लाइव पे देखना होता है तो वो लोकल होस्ट के थ्रू ही देखते हैं। तो उसके अलावा ऐसे प्रोसीड कैसे करते हैं, ऐसे प्रोसीड ऐसे करते हैं कि हम जो है इसमें जो सर, हम जो डेटाबेस में यूज करते हैं ज़्यादातर एसक्यूएल सर्वर यूज होता है, बिकॉज यही एसक्यूएल सर्वर यूज होता है क्योंकि ज़रा प्रोफेशनल सर्वर है, उसमें काफ़ी सारे सर्वर हैं हमारे पास में, MongoDB है लेकिन बट MongoDB
अभी इतना इन नहीं है, बट डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा। लेकिन फिलहाल उसके लिए SQL ही यूज़ करते हैं, क्योंकि बिगिनर SQL पे सीखे तो उनके लिए फिर आगे चलने में आसानी होती है। उसके अलावा हमारे पास जो PHP है, उसमें PHP में होता है वो होता है कि हमारे पास जो है फाइल जनरेट हो जाती हैं। उसके अलावा इसमें हमारे पास SIS, SSIS जो होते हैं, इससे हम SQL सर्वर को इम्पोर्ट करते हैं। उसके अलावा एक्सेल की फाइल्स ओपन करके देख सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो और चीज़ें हैं, हमारे पास इसमें हमें पैरामीटर देने की ज़रूरत नहीं होगी कोई भी। उसके अलावा उसमें हमें क्या कहते हैं, डेटा हमें मतलब पुट नहीं करना, हमने बस एक फॉर्म बना देना, हमने फुल डाले और डेटा अपने आप जाके हमारी जो एक्सेल की शीट है उसमें अपलोड हो जाएगा। देन अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जो भी हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं PHP के, हम बेसिकली नेट बीन्स यूज़ करेंगे। तो उसमें जो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, सो उसमें यहाँ पे क्लॉज बिल्डअप होते हैं, रोज की प्रोसेसिंग होती है, फिल्टर होता है। उसके अलावा जो कोड जो होते हैं नेट बीन्स के, उसमें भी फिल्टर और इवेल्यूएटिंग होती है। देन हमारे पास जो हम जो चीज़ें हमें सीखनी है PHP में, जो हम चीज़ें सीखेंगे वो हम सीखेंगे VFP स्किल्स सीखेंगे, डेटाबेस का डिज़ाइन सीखेंगे, टेस्ट ड्राइविंग प्रोग्रामिंग टेक्निक्स जो होती हैं प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स सीखेंगे। उसके अलावा क्वेरीज सीखेंगे, जैसे कि क्वेरीज हैं, एरर्स जो आएंगे एरर्स को स्टडी करेंगे कि एरर क्या है, एरर का मतलब क्या है। लूप सीखेंगे, केस व्हाइल ईच, देन हम इसमें सीखेंगे ब्रेकर्स आगे, सेमी कॉलर आगे, इंक्रीमेंटिंग सीख लेंगे, डिक्रीमेंटिंग हो गई, डीबगिंग हो गई, इको वगैरह की यूज़ करते हैं, ये सब हम देखेंगे। अलावा इसमें जो हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो आती हैं वो आती हैं, ऐसा अगर आप जॉब करना चाहें तो आपको जो है टेबल्स बनाने का मौका मिलता है। उसके अलावा पोस्ट GIS SQL के अंदर ये सब काम होता है। उसके अलावा कोड आप SQL टेबल में डाल सकते हैं और ट्रिगर्स भी यूज़ कर सकते हैं पोस्ट GIS SQL में। अच्छा जी, अब आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ। एंड देन हमारे पास यहाँ पे मैंने PHP माई एडमिन में आ गया, और यहाँ पे हमारे पास ये यहाँ पे कुछ मेरे पास डेटाबेस आ रहे हैं। इनमें ये मैं चाहूँ तो यहाँ से भी सर्च कर लूँ डेटाबेस को। SQL भी आ रहा है यहाँ पे मेरे पास, ये SQL की कमांड है यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसे यहाँ से कॉपी भी करें तो ये हमें यहाँ पे एग्जाम्प खोल के दिखा देगा, जिसमें पता चल जाएगा क्या क्या हो सकता है। देन यहाँ पे हमारे पास स्टेटस भी आ जाता है हमारा, जितना भी रिसीव ट्रैफिक फील ट्रैफिक। उसके अलावा हमारे पास इसमें यूज़र अकाउंट्स भी आ जाते हैं, सारे यूज़र अकाउंट्स आ रहे हैं मेरे पास। देन यहाँ पे मेरे पास एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन आ रहा है, एंड यहाँ पर मेरे पास इम्पोर्ट का भी आ रहा है। जैसे कोई फाइल अगर मैंने इम्पोर्ट करनी है, यहाँ पर सेटिंग्स आ रही है, यहाँ पर रेप्लिकेशन आ रही है, रेप्लिकेशन जो मतलब रेप्लिका वगैरह, यहाँ पर मेरे पास कुछ वेरिएबल्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे वेरिएबल्स हैं। तो उस वो 4 सेट्स आ गए हैं। देन कुछ इंजन्स आ रहे हैं जिसमें हम हमारे इंजन्स के बारे में देख सकते हैं। और फाइनली हमारे पास प्लगइन्स आ रहे हैं, अगर हमें कोई एक्स्ट्रा प्लग इन इंस्टॉल करना तो हम यहाँ से उसमें कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको PHP का दिखाता हूँ। तो ये PHP CRUD है, जैसे मैंने आपको बताया था। इसे यहाँ से मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से डेटा एंट्री कर सकता हूँ, एंट्री की मैंने ऐड किया, एंड देन मैं यहाँ पे गया, मैं डबल ए यहाँ पे डबल ए आ रहा था, तो मैंने सी नाम से डेटा बेस क्रिएट कर दिया डबल ए के नाम से। मैं इसमें गया, यहाँ पे जाने के बाद इसके टेबल में गया, तो ये मेरे पास यहाँ पे आया हुआ है। अब मैं चाहूँ तो इसे यहाँ से कॉपी भी कर लूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एडिटिंग का भी ऑप्शन आ जाता है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे कर दूँ, यहाँ पर मैं डाल दूँ, तो चेंजेस भी मैं ऐसे कर सकता हूँ मेरे सर्वर से। इसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से भी इसे डिलीट कर सकता हूँ, डिलीट डिलीट डिलीट। अगर मैंने इसे एडिट करना हो, मैं यहाँ से फिर इसको रिफ्रेश करता हूँ फिर, तो यहाँ से भी सारा डिलीट हो गया। देन मैं यहाँ पे फिर ऐड करता हूँ,
यार भी हमने गूगल नहीं ऐड किया, गूगल भी हो गया। अब मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ तो इस तरह से आ रहा है, मैंने से एडिट करना था, मैंने एडिट किया यहाँ पे जाके इसको पे गूगल दिया इसको, तो इसमें एडिटिंग प्रॉपर अपनी कंप्यूटर। तो ये तो हमारे पास पीएचपी हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है एचटीएमएल, सो एचटीएमएल के लिए मैं एक फोल्डर ओपन कर लेता हूँ कोई सा भी। यहाँ पे मैंने फोल्डर बना लिया डेस्कटॉप पे, ये फोल्डर एक बनाया मैंने वर्कशॉप के नाम से, इसे मैंने सेलेक्ट किया। देन मैंने एक फाइल बनाई index.html के नाम से, यहाँ पे मैंने html इसमें अप्लाई की। देन html अप्लाई करने के बाद मैंने इसको दे दी हेडिंग h2, मैंने कर दिया इसको हेलो वर्ल्ड, इसको मैंने फिर कर दिया सेव, इसको देन मैं करता हूँ रन। ये मेरे पास एक आ गया बन के हेलो वर्ल्ड। अच्छा, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि टेबल्स हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैं अभी आपको टेबल्स ही बना के दिखाता हूँ। ओके, टेबल्स में सारा डेटा स्टोर होता है। सबसे पहले टेबल का टाइप बनाया, देन मैंने एक टी आर का टाइप बनाया जिसमें हमारे जिसको हम टेबल होगा, तो मैंने एक टी डी का टाइप बनाया जिसको हम कहते हैं, देन सॉरी मैं टी एच का टाइप डालूंगा, टी एच को हम कहते हैं टेबल हाइट, टेबल हेडिंग। इसमें मैंने डाल दिया नेम, दोबारा से एक टी एच का बनाया मैंने फोन नंबर, अगेन एक टी एच बनाया मैंने। इसमें डाल दिया मैंने ईमेल आईडी, इसे मैं करता हूँ सेव। टेबल को मैं दे देता हूँ यहाँ पे बॉर्डर, टेबल को मैंने बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर मैंने दे दिया 7, सेव कर दिया मैंने टेबल। अब मैं इसे रन कर देता हूँ, तो ये मेरे पास टेबल देख जो हेडिंग है वो बन गया। अब मैं हेडिंग के लिए, अब मैंने जैसे किया मैं इसमें दूसरी एडिशंस करता हूँ, मैंने यहाँ पे कर दिया है टी आर अगेन जिसमें कहते हैं टेबल रो, एंड देन मैंने यहाँ पे कर दिया टी डी विच इज टेबल डेटा, एंड इसमें मैंने कर दिया सेव करने आया, तो यहाँ पे मेरा पूरा डेटा आ गया। इसी तरह से आगे भी हम करेंगे। देन मैंने यहाँ पे डाल दिया जैसे कि डाल दी हसन, एंड यहाँ पे मैंने दे दिया इनका फोन नंबर टी डी, यहाँ पर भी टी डी, इनका फोन नंबर दे दिया मैंने। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया इनका ईमेल एड्रेस, जिसमें कोई भी ईमेल डाल दूंगा, तो मैंने कर दिया सर। तो इस तरह से मेरे पास बन के आ गया। सो
That's it for the workshop. Thank you so much.